जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कहा कि गोपालगंज से कुढ़नी उपचुनाव की तुलना करना ठीक नहीं है। ये बात साबित हो गई है कि गोपालगंज में AIM MIM की उम्मीदवारी वोट काटने के लिए ही है, लेकिन इस बार वोट कटवा पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। वहीं केंद्र सरकार की नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। साथ ही संजय जायसवाल पर पलटवार करते हुए वो बीजेपी की विफलताओं को छिपाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, कुढ़नी में जो उपचुनाव है, क्या MIM फिर से खेल खराब करेगा? नहीं, देखिए, गोपालगंज से कंपैरिजन कुढ़नी को नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी एक जगह कोई बात हो जाती है तो लोग उसको। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को देख कर भी आगे के निर्णय में बदलाव करते हैं। लोगों ने नियुक्ति पत्र देने का, वितरण देने का बिहार सरकार ने शुरू किया, केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है लगातार, करा कि साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब साल में 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गए, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, और वह भी तब जब 8 साल 9 साल लगभग उनकी सरकार का बीत चुका है उसके बाद। सर, आप अभी पटना बिहार से बाहर थे, दिल्ली थे, अनेक राज्यों में थे, दो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर क्या लग रहा है आपको, किसका एज लग रहा है? बीजेपी है एक तरफ, कांग्रेस है, दो पार्टी मेन हैं। नहीं देखिए, वहाँ के बारे में जो कुछ हमको डायरेक्टली वहाँ से इन्वॉल्व है नहीं, और हम कोई उस रूप में देख भी नहीं रहे, लेकिन जो कुछ जानकारी मिली उसके आधार पर वहाँ बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है कि सीधे तौर पे कह दिया जाए कि उनके पक्ष में लहर चल रही है, इनके पक्ष में लहर चल रही है, ऐसा नहीं है। कन्फ्यूजन की स्थिति है, जो चुनाव परिणाम आने पर ही स्थिति साफ हो पाएगी। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। कैमरामैन राजेश के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। मंत्री जमा खान ने भी कुढ़नी उपचुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि कुढ़नी में बीजेपी साजिश करना चाहती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तैयारी 24 की है, 24 में आप इतना बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, बहुत लोगों साजिश में पैसे रुपये देकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन 24 में जवाब करारा मिलेगा और 24 में जनता, बिहार की जनता जवाब देगी, यहाँ से शुरुआत करेगी। कोई मतलब नहीं है MIM का। MIM तो आप जानते हैं कि वो लोग बीजेपी क्या लोग काम करता है, आप भी जानते हैं। इतना बोलने के बाद बीजेपी ने कभी नहीं आज तक उनको कोई क्वेश्चन किया, आज तक बताइए, कोई बोलता हम ही बोल देंगे, बोलते हैं सब पे कहीं कुछ होता है, जो सब जानता है, वो एजेंट हैं, उनका काम करते हैं। तो ये जनता समझ रही है, जनता उनको जवाब देगी, उनको बार बार नाम लेने का मतलब नहीं है ऐसे लोगों का जो खुदे विनाश करना चाहते हैं देश का, प्रदेश का, तो उनके बारे में नहीं बोलेंगे, इतना कहेंगे चुनाव जीते। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।